गाइस। सो वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी से आज उदयपुर में पानेरों की मादड़ी से हमें एक कॉल आई थी स्नेक की, और यहाँ पर आकर देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक कॉमन वुल्फ स्नेक है, बट ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसकी वजह ये मैं थ्योराइज़ कर रहा हूँ कि हो सकता है बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, और जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी है, इस वजह से इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, हो सकता है यहाँ पर ज़मीन की गर्मी लेने के लिए यहाँ पर आया हो, बट इसे प्रॉपर हीट नहीं मिल पाई और ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका है। अभी हम इसे रेस्क्यू करते हैं सेफली। अब ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है। ये देख सकते हैं आप कॉमन वुल्फ स्नेक है, और कितना ज़्यादा सिमिलर होता है ये कॉमन क्रेट से। इस पर एक्चुअली थोड़ी बहुत इंजरीज़ भी है, जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी कैट ने इस पर अटैक किया होगा, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत बाइट मार्क्स दिख रहे हैं। अभी एक बार हम इसे सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर हम इसे क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे अगर इसे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ इंजरीज है, और इसी वजह से हो सकता है ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। इस पर शायद बाइट मार्क्स है जो कि दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के। चलिए अब हम इसे सेफली प्लास्टिक जार में ले लेते हैं। वैसे मोस्टली बहुत एक्टिव होते हैं और ज़्यादातर नॉकटर्नल ही होते हैं, इसलिए इसका डे टाइम पे इस तरह मिलना बहुत। सो गाइज, अभी अभी हमने वो वुल्फ स्नेक रेस्क्यू किया ही था कि हमारे पास एक और कॉल आई है एक स्नेक की, और जैसा कि वो डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहे थे और सिचुएशन बता रहे उस हिसाब से लग रहा है कि वहाँ रसल वाइपर है, और अभी दिसंबर एंड चल रहा है तो इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती किसी और स्नेक की। तो हमने पहले ही प्रिपरेशन कर ली है, हमने एक बकेट ले ली है जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट मेथड है रसल वाइपर को रेस्क्यू करने का। कई लोग बैगिंग करते हैं, बट बैगिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि रसल वाइपर ईजिली बैग्स में जाना प्रेफर नहीं करते एज़ कम्पेयर टू कोबराज। तो रसल वाइपर को हम जाकर देखते हैं कि सही में रसल वाइपर है या क्या है, फिर हम रेस्क्यू करते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो अभी हमने जैसे एक वुल्फ स्नेक रेस्क्यू किया ही था, और हमारे पास एक और कॉल आई है उदयपुर के यूनिवर्सिटी कैंपस में जहाँ स्टाफ क्वार्टर्स में। यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर रद्दी से ये लोग पूरी क्लीनिंग करा रहे थे और रद्दी के कट्टे में एक रसल वाइपर इन्हें मिला, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। कई बार ऐसा होता है कि इसी ऐसी तरह हम सफाई कर रहे होते हैं और हमारा हाथ ऐसी जगह पहुंच जाता है और हमें इंजरी हो जाती है। और मोस्टली केसेस स्नेक बाइट के ऐसे ही होते हैं जब पता नहीं होता है कि सांप वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छे से ये छुपा हुआ स्नेक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कट्टा है इसी के अंदर ये रसल वाइपर बैठा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रसल वाइपर का स्केल्स और उसका हेड भी दिखाई दे रहा है, और ये कांच की बोतलों की बकेट के अंदर है। अब हम इसे सेफली रेस्क्यू करने की ट्राई करेंगे, कम से कम इसे परेशान किए बिना। तो हम इसे सेफली रेस्क्यू करेंगे। रसल वाइपर को रेस्क्यू करने का बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि बड़ी से कंटेनर में एक सिंपल प्लेन पेंट की बाल्टी है, और इसे कम से कम हैंडलिंग करे बिना हाथ लगाए अपन ट्राई करते हैं उसे इस बाल्टी में। पर अभी काफ़ी सुस्त है, तो कितना इजीली हमने इसे रेस्क्यू कर लिया, हमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और सेफली ना तो स्नेक के लिए कोई इशू वाली चीज़ हुई और ना ही हमारे लिए खतरा हुआ। इसी तरह से हम सेफली रेस्क्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बिना बात की स्टंटबाजी करते हैं, सांप को बाहर निकालते हैं, उससे ज़बरदस्ती आवाज़ें निकलवाते हैं। हम ये चीज़ें प्रेफर नहीं करते। ये सबसे सेफ़ और ईजी तरीका था रेस्क्यू करने का, और देखिए आपने ना स्नेक को हिस करने की ज़रूरत पड़ी, ना वार्निंग देने की ज़रूरत पड़ी, और कितना ईजिली काम हो गया। हमारे लिए भी सेफ्टी और स्नेक के लिए भी सेफ्टी। सो हे गाइस, वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी से अब हमने जो वुल्फ स्नेक रेस्क्यू किया है आज, उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्लोज इंस्पेक्शन करने के बाद में ये देखा कि इसे कोई ख़ास मेजर इंजरीज़ नहीं है, और मोस्टली ये टेम्परेचर की वजह से ही टेम्परेचर की वजह से ही काफ़ी सुस्त बिहेव कर रहा था। तो ये अपने हैबिटेट, ये जो इंजरीज है इसकी बहुत मामूली है और ये अपने आप ही हील हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं आप इसे, ये एक्चुअली पेड़ों पर काफ़ी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं और इनका प्राइमरी फूड गेकोज होते हैं जो कि इन्हें पेड़ों पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं क्लिंग कर रहा है डब्बे पर, अच्छे से ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है और ये अब कंफर्टेबली पेड़ पर आ गया है। ये इसके लिए अच्छा हैबिटेट रहेगा जहाँ ये इजीली सर्वाइव कर पाएगा और यहाँ इसे काफ़ी गेकोज वगैरह भी मिल जाएगी खाने को और यहाँ होपफुली इसे कोई प्रेडेटर दोबारा परेशान नहीं करेगा। देख सकते हैं कैसे ये क्लाइम कर रहा है और दूसरी डाल पर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं और इनकी ये अडेप्टेशन इनको सिटी में सर्वाइव करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। इनकी जो आर्बोरियल एबिलिटीज़ होती है इनको सिटी में सर्वाइव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इनकी ग्रिप और ग्रिप की मदद से ये सिटी की दीवारों पर भी काफ़ी इजीली चढ़ जाते हैं। ये एक देखने वाला सीन होता है कि कैसे एक प्लेन खड़ी दीवार पर बिना किसी सपोर्ट के स्नेक 2-3 मंजिल ऊपर तक चढ़ जाते हैं। अब हम इसे बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे और हम हमारे दूसरे स्नेक यानी कि जो रसल वाइपर हमने रेस्क्यू किया था उसे भी रिलीज़ कर देते हैं। तो गाइज़ इस रसल वाइपर को भी हमने रिलीज़ कर दिया है और फॉर्चुनेटली ये यहीं पर ही स्टिल पोजीशन में बैठा है ताकि हम इसे ऑब्जर्व कर सकें। तो जैसा कि आप ध्यान से देखें इस पर ये स्पॉट्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे चित्ती इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो ये ब्यूटीफुल स्पॉट्स बने हुए हैं इसे देख लोग इसे चित्ती कहते हैं। जैसे चीता को चीता स्पॉट्स की वजह से चीता कहा जाता है, वैसे इसको स्पॉट्स की वजह से चित्ती बोलते हैं लोग। और कई बार लोग पाइथन से इसे काफ़ी कंफ्यूज कर लेते हैं क्योंकि पाइथन पे भी सिमिलर पैटर्न होता है, बट आप ध्यान से देखें इसके पैटर्न काफ़ी सिस्टमैटिक और सिमेट्रिकल होते हैं जबकि पाइथन का पैटर्न काफ़ी डिस्टर्ब्ड होता है। फॉर्चुनेटली ये रसल वाइपर यहीं बैठा है और हम इसे बिना डिस्टर्ब करे आराम से शूट कर सकते हैं। इसको हमने कितनी सेफली बिना डिस्टर्ब करे रेस्क्यू किया था और मौसम काफ़ी ठंडा होने की वजह से इसने काफ़ी कोऑपरेट भी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रसल वाइपर यहीं पर ही बैठा हुआ है। इसकी ख़ास बात मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि ये एक हीमोटॉक्सिक वेनम वाला स्नेक है वाइपर फैमिली का। वाइपर फैमिली के स्नेक्स की ये काफ़ी ख़ास बात होती है कि इनका हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगुलर शेप का हेड है जो वाइपर फैमिली की एक स्पेशल यूनिक चीज़ होती है जो हर वाइपर स्नेक के अंदर मौजूद होती है। आप ध्यान से देखें इस स्नेक को, कितना ब्यूटीफुल स्नेक है ये। और ये फॉर्चुनेटली काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है और बिना हिले डुले बैठा है यहाँ पर। और हम भी इसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे और दूर से इसको रिस्पेक्टफुली शूट करेंगे ताकि ना ये डिस्टर्ब हो और ना ही हमारे लिए किसी प्रकार का कोई खतरा बने। ये स्नेक दिखने में काफ़ी मोटे और सुस्त नज़र आते हैं, बट ये बिजली की रफ्तार से अटैक कर सकते हैं। हमारे ब्लिंक करने से पहले ये हमें बाइट कर हमसे दूर जा सकता है। और इसका हीमोटॉक्सिक वेनम जो कि मसल्स और टिश्यूज़ को डैमेज इतनी बुरी तरह से करता है कि कई बार स्पेशली प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने पर उस अंग को ही कटवाना पड़ जाता है जिसमें ये बाइट हुई होती है। आप ध्यान से देखें इसके हेड को, अनफॉर्चुनेटली अब इसे हमारी प्रेजेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और ये एक वार्निंग दे रहा है कि मुझसे दूर रहिए कि मैं डैमेज कर सकता हूँ। मैं इसके और नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर है स्नेक का। मोस्टली रसल वाइपर में कई बार एक लाइट वेरिएशन का कलर भी मौजूद होता है, ये एक डार्क वेरिएशन वाला स्नेक है। ये एक अच्छा हैबिटेट होगा इसके लिए और इसके प्रॉपर जहाँ से इसे रेस्क्यू किया था उससे ज़्यादा दूर नहीं, बट ह्यूमन हैबिटेशन से काफ़ी दूर है तो किसी भी इंसान को एक्सीडेंटल बाइट नहीं होगी। जैसा कि आज हमने देखा कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और डेंजरस सिचुएशन थी उस कबाड़ी वाले लड़के के लिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था जहाँ से उसने वो कबाड़ लिया उसी के अंदर ये रसल वाइपर मौजूद था। हो सकता है ये ठंड के कारण कहीं सेफ जगह ढूंढ रहा हो और एक्सीडेंटली, खैर ऐसी चीज़ें एक्सीडेंटली होती है, ये जानवर हमें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते, बट ऐसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में कई बार इंसान और जानवर दोनों के लिए ख़तरनाक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं।